ओम शांति। बोलो ओम शांति। और जोर से बोलो ओम शांति। आज का जो टॉपिक है वो बहुत दिल को आराम देने वाली है, और मैं समझती हूँ तो आप सब जो भी आए हैं उनकी दिल में आराम आ गया है। कांधे लाओ, हाथ लाओ, आ गया। वाह, तो अभी तो आप, जब आपके दिल में आराम आ गया तो अभी क्या करेंगे? जहाँ भी जाएंगे वहाँ जो बेचैन दिल वाले हैं, जिनके दिल में आराम नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, खुशी नहीं है, उनको आप आराम दिलाएंगे, सुख देंगे, शांति देंगे। इसलिए बाबा ने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने हम सब बच्चों को एक टाइटल दिया। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को टाइटल क्या दिया कि तुम सभी दिलाराम के बच्चे, मास्टर दिलाराम है, दिल को आराम देने वाले। अपने दिल में आराम है तो दूसरे को जरूर देंगे, और आराम मिलता क्यों है? क्योंकि जहां संतुष्टता होती है, प्रसन्नता होती है, वहां दिल में आराम होता है, सुख भी होता है, शांति भी होती है, आनंद भी होता है, और सच्चा दिल का प्यार भी होता है। प्यार तो दुनिया में आजकल भी है, लेकिन सच्चा दिल का प्यार, उसकी निशानी है दुख देने वाला, धोखे देने वाला, स्वार्थ वाला प्यार नहीं। सच्चा प्यार, दिल का प्यार ऐसा होता है जो वो सामने आएगा ना तो दिल को आराम मिल जाए। जैसे आप देखो, कोई भी चर्च में जाते हैं या ऐसे कोई शांति के स्थान में जाते हैं तो शांति के साथ प्यार भी आता है ना परमात्मा के प्रति। तो आज सुख और शांति जो दिल को आराम देने वाली है वो नहीं है, आज अप्राप्ति है, संतुष्टता नहीं है।
चाहे करोड़पति भी है, पद्मपति भी हो, लेकिन दिल को आराम नहीं है, और चाहे भिखारी है, उसको कुछ नहीं है प्राप्त, उसको भी दिल का आराम नहीं है, दुख है, अशांति है। सच्चा प्यार न होने के कारण स्वार्थ है, और आनंद के बजाय नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव दृष्टि वृत्ति। तो वो अब हम संतुष्टता जो आधार है दिल को आराम खुशी देने का, वो है ही परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है और सब चीजों का दाता है, सुख दाता भी है, शांति दाता भी है, प्रेम दाता भी है, तो आनंद का दाता भी है। इन चार में से अगर एक भी कम हुआ ना, मानो आपको सुख है लेकिन शांति की अनुभूति कम है, शांति भी है सुख भी है लेकिन परमात्म प्यार आत्म प्यार की कमी है अनुभूति की, आनंद की जीवन में अनुभव कम होता है, तो इन चार में से अगर एक भी कम मात्रा में है तो सदा संतुष्ट नहीं होंगे। कभी होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन हमको चाहिए सदा दिल का आराम अर्थात संतुष्टता, प्रसन्नता। जो खुश होता है, प्राप्ति संपन्न होता है, उसका चेहरा सदा प्रसन्न होगा। जो दूसरा भी देख करके प्रसन्न हो जाएगा, यानी खुश हो जाएगा। कोई भी कमी नहीं महसूस करेगा। और अभी जब हम ये अभ्यास सीख रहे हैं यहाँ मेडिटेशन का, और मेडिटेशन का अभ्यास का अर्थ ही है उस दाता जो चार ही चीजों का दाता है परमात्मा, उससे रिलेशन और कनेक्शन रखना। क्योंकि रिलेशन के बिना सहज याद नहीं आती। आप अपने लाइफ में देखो, आपको ज्यादा में ज्यादा कौन याद आता है? जिसे जितना रिलेशन नजदीक का होगा, दिल का होगा, नजदीक का भी होगा और दिल का भी होगा, सच्चे दिल का सच्चा रिलेशन होगा, मतलब का स्वार्थ का नहीं, वो ही आपको न चाहते भी याद आएगा। सबसे पहले तो नजदीक में नजदीक संबंध है बॉडी से। तो आप देखो, क्योंकि बॉडी के साथ ही, अगर बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, तो शरीर के संबंध भी नहीं होते, शरीर के पदार्थ भी नहीं होते।
पहले मूल आधार है ये बॉडी कॉन्शियसनेस। तो आप देखो, आप अभी मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जरूर ये डायरेक्शन मिला होगा। तो सिर्फ बैठने के टाइम मेडिटेशन नहीं करना है, जैसे मानो 4 बजे 5 बजे आप बैठते हैं, मेडिटेशन का क्लास होता है, तो सिर्फ मेडिटेशन के टाइम पर मेडिटेशन नहीं करना है, लेकिन हमको कर्म करते हुए भी चलते फिरते मेडिटेशन अर्थात सोल कॉन्शियसनेस और सोल हो के सुप्रीम सोल कॉन्शियस बनना, कर्म योगी बनना है। कर्म के टाइम हम समझे अभी मेडिटेशन का टाइम थोड़ी है, अभी तो सिर्फ एक्शन टाइम है, अभी मेडिटेशन का टाइम नहीं है। लेकिन जब मेडिटेशन कर्म योगी बन के आप अभ्यास करेंगे ना, तो निरंतर भी हो जाएंगी और सहज भी हो जाएंगे। लेकिन मेडिटेशन कर्म करते क्यों नहीं होती है, वो नशा मेडिटेशन का क्यों कम हो जाता है, सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस क्यों हो जाते हैं, उसका कारण क्या है कि हम चलते फिरते कर्म करते भी अपने को आत्मक स्वरूप में स्थित नहीं रखते। मैं आत्मा हूं और कर्म इंद्रियों द्वारा ये कर्म कराने वाली हूं, मैं कराने वाली हूं और ये कर्म इंद्रियां करने वाली है। जैसे डायरेक्टर होता है ना, या कोई भी मालिक होता है, तो जो भी उनके साथी कर्मचारी होते हैं तो वो कर्म कराते ये भूलता नहीं है कि मैं डायरेक्टर हूं और ये कर्मचारी है, सहयोगी है। ऐसे ही जब डायरेक्टर नहीं भूलता है अपने को, क्योंकि कराने वाला है और कराता रहता है, वो स्मृति रहती है मैं डायरेक्टर हूं, भूलता थोड़ी है डायरेक्टर हूं मैं। ऐसे ही मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों द्वारा कराने वाली, वो डायरेक्टर है, हम करण करावनहार है, कराने वाले मालिक है। तो हमको भी काम करते जैसे डायरेक्टर को डायरेक्टरपन नहीं भूलता है, जितना समय भी काम कराता है उस समय याद रहता है, अपना ऑक्यूपेशन भूलता नहीं है। ऐसे ही हमारा असली स्वरूप है आत्मा, कर्म इंद्रियों द्वारा कराने वाली है। तो मैं करनहार हूं, कराने वाली हूं, ये क्यों भूलना चाहिए? कर्म करते एक्शन कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो एक्शन कॉन्शियस होने के कारण सोल कॉन्शियस भूल जाता है, और सोल कॉन्शियस नहीं तो सुप्रीम सोल कॉन्शियस भी नहीं हो सकता। कई भाई बहन ऐसे कहते भी है, अभ्यास अभी कर रहे हैं ना, तो अभ्यास करने में कई बार ऐसा होता है जो हम समझते हैं
बैठे हैं योग योग करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं, लेकिन कभी तो मन लग जाता है और कभी कभी मन नहीं लगता है। बैठे भी है मेडिटेशन के लिए, सोच भी रहे हैं, मेडिटेशन करना है। अभी मैं बैठी इसी काम के लिए हूं, लेकिन मन नहीं लगता है, इसका कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि मैं परमात्मा पिता को याद करने के लिए बैठी हूं, लेकिन कभी कभी गलती ये हो जाती है कि सोल कॉन्शियस के स्थिति में स्थित नहीं होते हैं। मैं आत्मा हूं, इस स्वरूप में स्थित न होने के कारण सोल का पिता परमात्मा है, बॉडी का पिता तो है ही नहीं ना। अगर मेरा कोई पिता हो ही नहीं और मैं उसको बार बार उसके पीछे पड़ जाऊं, पिताजी पिताजी मेरी बात सुनो ना, पिताजी क्यों नहीं सुनते, तो वो सुनेगा क्या? वो है ही नहीं मेरा पिता, तो कैसे सुनेगा? इसी कारण अगर हम विधि है मेडिटेशन की कि पहले अपने को आत्मा समझो, देह बन छोड़ो, आत्मा समझ कर फिर परमात्मा को याद करो, क्योंकि आत्मा का पिता वो है, शरीर का पिता नहीं है। शरीर का पिता तो हर एक का नाम पूछेंगे तो अलग अलग होंगे। तो गलती ये होती है कि सोल कॉन्शियसनेस होगी तो सुप्रीम सोल कॉन्शियस हो, अगर बॉडी कॉन्शियस का होगा जरा भी अशरीरी नहीं होंगे अपने को, अशरीरी आत्मा निश्चय नहीं होगा, बार बार टूटता होगा, बैठता होगा शरीर, कभी सोल कॉन्शियस कभी बॉडी कॉन्शियस, अभी अभी सोल कॉन्शियस अभी अभी बॉडी कॉन्शियस, तो भी वो मेडिटेशन में जो परमात्मा से मिलन का कनेक्शन और रिलेशन का अनुभव हो वो नहीं होगा। जो शक्तियों की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, कोई समय सुख की, कोई समय शांति की, कोई समय खुशी की, किस समय सर्व प्राप्तियों की अनुभवी हो, अनुभव हो, वो सदा काल नहीं होगा, सारा टाइम नहीं होगा आपका। मानो आधा घंटा बैठे और सोल कॉन्शियस थोड़ा टाइम हुए, थोड़ा टाइम फिर बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो आधा घंटा आपको वो सुप्रीम सोल कॉन्शियस से जो मिलना चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं होगी। कट 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 होता जाएगा, जैसे देखो ये तार है ना, बार बार अगर कट कट होती जाए तो आपको सुनने में आनंद आएगा, डिस्टर्ब होंगे ना। ऐसे हमारे मन का कनेक्शन रिलेशन अगर नहीं है, कट कट होता जाता है, कभी टूटता है कभी जुटता है, तो वो आनंद नहीं आएगा मेडिटेशन से। वो हो गया विधि को अपना रहे हैं, विधि को अपनाते अपनाते हो जाएगा, परंतु जो आप चाहे, भाई मैं मेडिटेशन में बैठी तो सही आधा घंटा 15 मिनट बैठी, लेकिन वो आनंद नहीं आया, वो प्राप्ति शक्तियों की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कारण रिलेशन कनेक्शन टूटता रहा, जुड़ता रहा। अभी देखो यहाँ भी अभी ये लाइट जल रही है, जलते जलते अगर ऐसे ऐसे होती रहे
तो हम कहेंगे इसे तो बंद करो तो अच्छा है भाई, बहुत डिस्टर्बन होता है। तो इसी रीति से अगर हमारा थोड़ा टाइम लगा थोड़ा टाइम नहीं लगा तो वो मौज नहीं आएंगी मेडिटेशन से। और इसके लिए, क्योंकि दिल को आराम मिलना है दिलाराम द्वारा, आपने दिल वाला मंदिर भी देखा होगा ना, चक्कर लगाया होगा ना, तो दिल वाला मंदिर का अर्थ ही है दिल लेने वाला और दिल का आराम देने वाला। तो इसीलिए हमको दिल का आराम चाहिए सदा, थोड़ा टाइम चाहिए। समझो मेडिटेशन के टाइम हमको बड़ा दिल का आराम भी मिला, आधा घंटा मिला, लेकिन बाकी जो घंटे रहे वो नहीं हुआ, तो वो नशा तो नहीं रहेगा ना। मानो डायरेक्टर है और उसको डायरेक्टर एक घंटा पहले डायरेक्टर हूँ ये याद है, फिर डायरेक्टर हूँ ये भूल ही जावे, उसकी कारोबार कैसे होंगी? कर्मचारी और कर्म कैसा होगा, सफल होगा क्या? ऐसे हमको दिल को आराम चाहिए सदा काल के लिए, आधा घंटा के लिए घंटा के लिए नहीं चाहिए, सुख चाहिए सदा के लिए। हमने किसी दो बच्चों से पूछा, फॉरेन की बात है, उन्हों को हमने कहा आपको शांति चाहिए ना, सुख चाहिए ना, तो ऐसे क्यों नहीं करें, आप दो हैं तो थोड़ा टाइम इसको सुख शांति मिले, थोड़ा टाइम आपको मिले, चार घंटा आपको मिले, आठ घंटा आपको मिले, सदा क्यों कहते हो ऐसे करें? तो कहते नहीं दीदी, शांति सदा के लिए चाहिए, चार घंटे आठ घंटे के लिए नहीं चाहिए। तो चाहते तो सदा के लिए है ना, अभी अभी सुख, अभी अभी खुशी, अभी अभी दुख, अशांति, गम, तो वो लाइफ क्या हुई? इसीलिए हमको दिल का आराम चाहिए सदा के लिए चाहिए। आप सब भी यही मानते हो ना, सदा के लिए चाहिए ना, या दो घंटे चार घंटे के लिए खुश हो जाएंगे, सदा के लिए चाहिए। हाँ ऐसे करो, चाहिए सदा के लिए, चाहिए सदा के लिए, चाहिए चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यही करना पड़ेगा जो दिलाराम है, दिल को आराम देने वाला शिव बाबा है, उससे रिलेशन कनेक्शन सदा रखना पड़ेगा। और सदा तब रहेगा जब अपने को सोल कॉन्शियस अनुभव करे, काम करते हुए बीच बीच में। आप कहेंगे ये तो बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। हाँ अभ्यास की आवश्यकता है, अपने आप को चेक करना पड़ेगा। हम कहते हैं अपनी चेकिंग अपने आप ही उसका प्रोग्राम बनाओ। जैसे जैसे आपकी ड्यूटी है, जैसे जैसे आपका कर्म है, उसी अनुसार घंटा दो घंटा के बाद अपनी सिर्फ चलते फिरते, जैसे बीच में मानो हमको पानी की प्यास लगती है तो हम काम काज करते भी तो उठ के पानी पीते हैं ना, कोई भी ख्याल होता है तो जरूरी है तो करना पड़ता है ना, ऐसे ये भी आवश्यक है।
आप अपने ऐसे नहीं सुबह को अपने महावाक्य परमात्मा के सुने, मेडिटेशन किया, उस समय तो बहुत अच्छा रहा, फिर भूल जाए नहीं। लेकिन घंटे दो घंटे जैसे भी आपकी ड्यूटी है, दो घंटे के बाद एक सेकंड में अपनी चेकिंग करो, मैं अभी सोल कॉन्शियस हूँ या एक्शन कॉन्शियस हूँ या बॉडी कॉन्शियस। चेक करने में टाइम नहीं लगता है, कहने में भी मेरे को देरी लगी, लेकिन अपना नियम बनाओ। कहीं कहते हैं ये तो घड़ी बना के रखें, क्या करें। हम कहते घड़ी क्यों, अभी देखो शरीर की बीमारी होती है, डॉक्टर हमको कहते हैं तुमको तीन तीन घंटे दवाई लेनी है, दो दो घंटे दवाई लेनी है, एक एक घंटे दवाई लेनी है, होम्योपैथी वाले तो कहते ही है, फिर क्या हम घड़ी बना के रखते हैं? घड़ी तो नहीं बनाते हैं, ऑटोमेटिक आदत पड़ जाती है हमको, तीन घंटे दो घंटे में दवाई लेनी है, तो ये भी तो मन की दवाई है ना, वो शरीर की दवाई है, ये मन की दवाई है, इससे इस दवाई से तो 21 जन्म आपको चेक करना ही नहीं पड़ेगा। वो दवाई तो एक बारी बीमार हुए इस जन्म में दूसरे जन्म में भी हो सकते हैं, लेकिन ये मन इस समय संगम के एक जन्म में अगर आपने ये चेकिंग की दवाई की, सोल कॉन्शियस के चेकिंग की दवाई ले ली, दुआ ले ली या दवा ले ली, तो आपको 21 जन्म तो करना ही नहीं पड़ेगा, कुछ गारंटी है गॉड की। गॉड को कहा ही जाता है गॉड इज ट्रुथ, तो उसके महावाक्य भी ट्रुथ होते हैं, वो कभी बदल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अपना टाइम टेबल बनाओ, और काम का भी तो टाइम टेबल बनाते हैं ना, दो घंटा ये करना है, चार घंटा ये करना है, दो आधा घंटा ये करना है, बनाते तो है ना टाइम टेबल अपने कर्म का। ऐसे ये मन के कर्म का बनाओ टाइम टेबल और चेकिंग करो। एक मिनट समझो, यहां से आप यहां गए दरवाजे तक, इतने में ही चेक कर सकते हो, इतना टाइम भी नहीं मिलता क्या किसको? मैं तो नहीं समझती हूँ, अकाउंटेंट ज्यादा बिजी रहता है मैं समझती हूँ, या सोचने वाले कोई इन्वेंशन वाले होंगे। तो फिर भी प्यास लगेंगी तो पानी नहीं पिएंगे क्या? ऐसे अपने नियम प्रमाण अगर आप ये टाइम टेबल बनाएंगे ना अपना, जैसे कर्म का स्थूल कर्म का टाइम टेबल बनाते हो, ये करना है वो करना है, ऐसे चेकिंग का भी टाइम टेबल बनाओ, आत्म अवमानी रहे या नहीं इसका भी टाइम टेबल बनाओ। और इसमें डिस्टर्ब क्या करते हैं, दो चीज डिस्टर्ब करती है आजकल के जीवन में, दो चीजें बहुत डिस्टर्ब करती है, सोल कॉन्शियस की बजाय बॉडी कॉन्शियस में ले आती है। एक नेगेटिव चिंतन, व्यर्थ चिंतन, परचिंतन, और दूसरी चिंता। चिंतन नेगेटिव और चिंता, कोई ना कोई चीज की चिंता, चाहे शरीर की हो, चाहे मन में कोई चिंता हो, चाहे संबंध में, संबंध संपर्क में कोई चिंता हो। अभी मानो नेगेटिव संकल्प आपके पास आते हैं, वेस्ट और नेगेटिव, और वेस्ट संकल्प जो होते हैं ना, उसकी गति जो होती है ना, रफ्तार, वो बड़ी तेज होती है।
और जो शुद्ध संकल्प होते हैं, अच्छे संकल्प जो होते हैं, उसकी स्पीड ढीली होती है। और नेगेटिव जो है ना, व्यर्थ जो है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। आप चेक करना, और बहुत फास्ट चलने के कारण एनर्जी भी बहुत वेस्ट जाती है। और चिंता, चिंता के कारण दुख अशांति होती रहती है। तो ये हमको चेक करना है, कोई चिंता तो नहीं है। चिंता हिंदी में कहते हैं या इंडिया में चिंता को चित्ता के समान कहते हैं। जो चिंता पे रहता है ना, तो कहते हैं ये तो जैसे चित्ता पर बैठा है। चित्ता माना डेथ होता है, तो इंडिया में जलाते हैं ना, उसको चित्ता कहते हैं, आग में जल रहा है। तो चिंता भी नहीं चाहिए और चिंतन भी नेगेटिव वेस्ट वो नहीं होना चाहिए। और अगर मानो आपके पास वेस्ट थॉट्स आते हैं, आदत पड़ी हुई है ना 63 जन्म की, तो आएंगे ज़रूर, फौरन थोड़ी स्टॉप लग जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे ब्रेक लगेंगी। अगर मानो आपके पास वेस्ट थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप क्या करो, उसकी विधि कैसे अपना, उसको जल्दी जल्दी चेंज करो। तो चेंज कैसे करेंगे, जो वेस्ट थॉट्स है या नेगेटिव थॉट्स है, उसको चेंज करने के लिए भी संकल्प को, थॉट्स को चेंज करने के लिए भी थॉट्स ही चाहिए। लेकिन वो कौन से थॉट्स चाहिए, शुभ था विचार, शुभ चिंतन। इसके लिए ये रोज का जो हमारा डिस्कोर्स चलता है या वरदान मिलता है परमात्मा से, छोटा सा स्लोगन मिलता है, ये शुभ संकल्प है ज्ञान के। जैसे आपने कोर्स किया होगा, तो कोर्स में क्या मिला आपको, शुभ चिंतन मिले ना, गुड थॉट्स मिले ना आपको। तो जब आपके पास नेगेटिव थॉट्स आवे या वेस्ट थॉट्स आवे, तो आप शुभ थॉट्स जो है, जो यहां कोर्स किया या कोर्स के बाद आपको रोज के महावाक्य मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं मोरली डिस्कोर्स, वो कोई ना कोई पॉइंट याद करो, तो क्या होगा, जगह भर गई ना। वेस्ट के जगह आपने शुभ संकल्प किया, अच्छे ज्ञान के, योग के, शक्तियों के, तो वो शुभ थॉट्स हो गए ना। तो शुभ थॉट्स आपके वेस्ट और नेगेटिव को खत्म कर दे। ये विधि जरूर अपनाओ। देखो, कोई भी प्राप्ति करने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है ना, अटेंशन देना पड़ता है ना। लेकिन ये तो सदा काल के लिए हमको प्राप्ति है, तो इसके लिए थोड़ा सा तो अटेंशन देना पड़ेगा ना। मानो आप डिस्कोर्स नहीं सुनते हो, सेंटर पर रोज नहीं जा सकते हो, जो आपका स्थान है वहां नहीं जा सकते हो, तो आजकल तो जहां तहां टेलीफोन है। आजकल तो जो छोटा टेलीफोन को क्या कहते हैं, हाँ क्या, अच्छा, मतलब जो भी ये कान में रखने वाला फोन है,
तो वो तो जहां था, मैंने तो देखा है कि हर एक के जेब में होता है। अच्छा, आप चलते फिरते अपने जा नहीं सकते हो, मानव सेंटर पर नहीं जा सकते हो, कोई कारण होते हैं, सच्चा कारण, बहानेबाजी नहीं, सच्चा कारण है आपका। तो आप फोन में चलते फिरते भी एक वरदान सुन लो। वरदान होता है चार लाइन का। अगर चार लाइन का भी टाइम नहीं है आपको तो ठीक है, चलो, ऐसा भी हो सकता है, कोई होता तो नहीं है। लेकिन फिर हमारा एक स्लोगन होता है जो पौनी लाइन या आधी लाइन होती है। इतना टाइम तो होगा कि वो भी नहीं होगा। हमको याद है, हम कनाडा में गए थे सेवा के लिए, तो एक मिलिट्री का भरा था और उसको रुचि बहुत थी मेडिटेशन की, लेकिन टाइम नहीं मिलता था उसको सेंटर पर जाने का, काम भी होता भी है। उसने हमको अपने दफ्तर में बुलाया, कहा, बहन जी मेरी, आप मेरा दफ्तर देख लो, मैं इतना बिजी होता हूँ, इतने ये पता नहीं क्या क्या रखे हुए हैं, मैं नहीं निकल सकता हूँ। मैंने ऐसे ही गए चक्कर लगाने, तो मैंने देखा राइट तो बोलता है ये, पता नहीं क्या क्या लगे हुए तारे ही तारे। हमने कहा ये तो बात राइट है, आपको टाइम नहीं मिलता है सेंटर पर जाने का, जब मिले तब तो जाना, लेकिन आप फोन जैसे इतने काल आपके पास आते हैं, समझो ये एक काल आपने किया, तो क्या आप वरदान नहीं सुन सकते हो? कहा ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि फोन तो सुनना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है, ये मैं कर सकता हूँ। एक बरस के बाद भी उसने अपनी रिपोर्ट दी, तो मैं तो करता हूँ, लेकिन मैंने अनेक भाई बहनों को ये बताया है, वो भी करे, कोई भी कर सकता है अगर लगन है तो, इच्छा है तो। अगर इच्छा नहीं होगी ना तो बहानेबाजी बहुत होती है। वो हमने पहले भी सुनाया या यहाँ नहीं सुनाया, शिव बाबा ने एक बारी हमसे क्वेश्चन पूछा, तो ऐसी कौन सी कला है जो बच्चे को भी आती है, सबको आती है, वो कौन सी कला है? तो बाबा ने सुनाया वो है बहानेबाजी। बच्चे को भी बहानेबाजी आती है। मैंने एक बच्चे से पूछा था, 7-8 साल का था, मैंने उनसे पूछा तुमको बहानेबाजी आती है, अपने भाषा में? कहा हमको तो बहुत अच्छी बहानेबाजी आती है। मैंने कहा कौन सी बहानेबाजी आती है? तो कहता है ये तो बहुत इजी है, जो जब भी मुझे स्कूल में नहीं जाना होता है ना, तो मैं मम्मी को कहता हूँ, मम्मी आज मेरे माथे में दर्द है। अभी माथे में दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं, मम्मी कैसे जानेंगी? तो मम्मी और ही मेरे को गोदी में सुला देती है, ऐसे ऐसे करती है, दर्द है बहुत खराब, ये लगाओ वो लगाओ, और ही ऐसे करती है। अब मेरा बहाना चल जाता है, मैं स्कूल में जाता नहीं, तो मुझे भी बहाना आता है। तो बहानेबाजी बहुत होती है, और बहानेबाजी की शब्द जो है ना, वो आप नोट कर लो। जब करना है उसके शब्द,
और जो बहाने लगाना है उसके शब्द दूसरे दूसरे होते हैं। जो करना है लक्ष्य करने का पक्का, तो उसके शब्द है ये कार्य हमको करना ही है, करना ही है। और जो कमजोर भाषा है, बहानेबाजी की कमजोर भाषा, वो है बहन जी अच्छा बहुत लगा, करना भी है, ज़रूर करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा, करूँगा, कोशिश करूँगा, देखूँगा, सोचूँगा, गा करेंगे, करूँगा, अभी कब करेंगा वो देखा जाएगा, लास्ट टाइम करता है या अभी करता है। तो गागा नहीं, कोशिश करूंगा, देखूंगा, सोचूंगा, ये नहीं। अगर दृढ़ संकल्प आपने किया करना ही है तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। हमको शिव बाबा ने सफलता की चाबी दी। कोई भी काम करो, आप स्थूल करो, रवाजी छोटा सा कार्य करो, लेकिन दृढ़ता जिसमें होती है उसमें सफलता जरूर मिलती है। हमको भी स्थापना के कार्य में 68 साल हो गए हैं, तो 68 साल में आप सोचो कितनी बातें सामने आई होंगी ढीला करने की, पुरुषार्थ को ढीला करने की कई बातें आती हैं। लेकिन हमने देखा अगर हम ये दृढ़ संकल्प की चाबी लगाते हैं सफलता असंभव भी संभव हो। ये हम लोगों का अनुभव है, एक हमारा नहीं, सभी जो भी बाबा के बच्चे हैं, परिवार के परिवार, अगर दृढ़ निश्चय किया है तो सफलता मिलती। आप ही सोचो, आप अपना कर्म का टाइम टेबल बनाते हो ना काम का, उसमें नंबर लगाते हो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे करते होंगे ना। आप देखो पहला नंबर में आपको दृढ़ संकल्प होता है ये करना ही है, हो जाता है ना, चौथा पांचवा रह जाएगा, लेकिन पहला नंबर नहीं रहेगा। क्यों? कि उसमें दृढ़ता है, करना ही है। इसीलिए बाबा हमको कहता है दृढ़ संकल्प की चाबी अपने पास संभाल के रखो, सोचेगा नहीं, करना ही है, अवश्य होता है, असंभव भी संभव होते हैं। हमारी कई ऐसी हिस्ट्रियां हैं जो असंभव। एक कहानी सुनाऊं आपको, टाइम तो है ना, तो एक कहानी प्रैक्टिकल है। हम दिल्ली में सेवा के निमित्त बने हुए हैं, तो हमको दिल्ली में काफी टाइम की बात है, दिल्ली में हमको एक स्पिरिचुअल मेला करना था। जैसे प्रदर्शनी लगाते हैं ना, वैसे मेला, जो हम मेले को क्या कहते हैं पता नहीं, हाँ कर रही है, तो वो मेला जो करना था ना, उसके लिए हमने जमीन ली गवर्नमेंट से, बहुत बड़ा मेला करना था जिसमें हमारे 15-16 जोन है सेवा स्थान, उनका एक एक स्टॉल लगाना था सभी का। तो हम लोगों ने मैदान जो है ना वो किया, और हमको रेस्पान भी मिला, तो इस तारीख में फ्री है मैदान, आप कर सकते हो।
और हर हमारे सेवा केंद्रों के जोन से अपना अपना स्टॉल लगाने के लिए भाई बहने पहुंच गए थे और हम लोगों ने एक एक ने स्टॉल अपना लगाना शुरू कर दिया। तो जिस दिन हमारा उद्घाटन होना था उसके एक दिन पहले हमको गवर्नमेंट से ऑर्डर आया, तो आपका मेला इस मैदान में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उन दिनों में रशिया गेहूं बेचती थी इंडिया को, बहुत पहले की बात। उसका प्रेसिडेंट आना था और उसका स्वागत उस मैदान में होना था। तो हमने कहा, हमने तो छुट्टी ली थी तो कैसे हम नहीं कर सकते हैं? तो क्या है, हमारी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो उसमें लिखा हुआ है, जो लेटर देती है उसमें लिखा हुआ था, अगर कोई ऐसा कोई बड़े से बड़ा VIP आ गया तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा ध्यान नहीं गया। तो उन्होंने कहा, तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा, कल बोल्डोजर क्या आएगा, बुलडोजर, और आपका मेला तो एक घंटे में ख़त्म हो जाएगा। हमने कहा ये कैसे होगा, ये तो हम 12 बजे तक सभी ऑफिसर के पास मिलने गए। तो भाई इतने दूर दूर से हमारे गाइड्स आए हैं और ये कैसे होगा, हमारी अपने हाथों की कमाई से हमने किया है, कोई ऐसे डोनेशन वगैरह से भी नहीं करते हैं, ये कैसे हम मिटाएंगे, हटाएंगे कैसे, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन 12 बजे तक हम ही थी उसमें जाने वाली ऑफिसर्स के पास, जो भी पहचान वाले थे सभी के पास गए। सभी का एक ही उत्तर था, बहन जी आप सोचो हमारा अन्नदाता है, उस अन्नदाता का रिसेप्शन नहीं करेंगे, आपका मेला करेंगे, आप सोचो। यही एक सभी का जवाब, यही जो हमारे बिल्कुल समीप वाले थे वो भी कहने लगे हम लाचार हैं, हम नहीं कर सकते, करने चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। हम लोगों ने सभी ने रात्रि का अखंड योग लगाया और शिव बाबा को कहा, बाबा आप खुद ही रक्षक है, आपका ही हम संदेश देंगे, आप जानो। अखंड योग में बैठ गए। 12 बजे हम लौटे तो सभी बैठे थे योग में। सभी ने पूछा क्या हुआ, हमने कहा भाई रिस्पॉन्स तो ठीक नहीं मिला है। तो हम ट्रांस में गए शिव बाबा के पास। तो शिव बाबा ने देखो कितना रमणीक जवाब दिया। बाबा ने कहा तुम योग तो लगा रहे हो लेकिन अभी जो तीर लगना चाहिए ना वो यहाँ तक तो पहुँचा है, यहाँ तक नहीं पहुँचा है, अभी और योग लगाओ। हम लोग सब योग में बैठ गए और ही पावरफुल योग लगाया, भाई यहाँ तक तो पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचना है, बैठ गए। तो सुबह को क्या हुआ, सुबह को चमत्कार देखा। क्या देखा कि ये रिपोर्ट जो है ना भाई, ब्रह्मा कुमारियों का मेला लगा हुआ है और रशिया का प्रेसिडेंट आना है, इसलिए ब्रह्मा कुमारियों का मेला ख़त्म करना है। ये खबर इंदिरा गांधी थी उन दिनों में, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, उससे हमारा आना जाना होता ही रहता था। उस तक खबर गई, समाचार पहुंचा, तो भाई ब्रह्मा कुमारियों का मेला, ब्रह्मा कुमारियाँ कहती है हमारा मेला इतना मेहनत की है, इतने गाइड्स है,
तो नहीं मिटाना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, दो सीआईडी के ऑफिसर भेजे मेले में। हमको कुछ पता नहीं सीआईडी के ऑफिसर है कौन है, लेकिन सीआईडी के ऑफिसर आए दो। उन्होंने क्या देखा, दो बातें उन्होंने देखी मुख्य। एक तो देखा, क्योंकि बाबा ने हमको कहा ना, शिव बाबा ने ट्रांस में हमको कहा, यहाँ तक पहुँचाए, यहाँ तक पहुँचाओ, तो हम तो योग में बैठ गए। और जो भी कोई वहाँ थे ना काम करने वाले, उन सबको भेज दिया, तो हमारा मेला और ही लगा दो, पूरा कर दो। तो जब वो आए ना सीआईडी वाले, उन्होंने देखा कि इनों की संख्या तो बहुत बड़ी है, तो उन लोगों को तो ये पता नहीं है ना, तो हम तो धार्मिक है, हम तो कुछ करेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने देखा कि अगर मानो वो प्रेसिडेंट आए और ये संख्या बहुत बड़ी है इनों की, ये काले झंडे दिखावे उसको, तो प्रेसिडेंट की तो इंसल्ट हो जाएंगी, ये बहुत बड़ा लश्कर है। और दूसरी बात क्या देखी, कि इंडिया में देवियों की बड़ी पूजा होती है, तो देवियों में हमारा जो बंगाल बिहार का स्टॉल था ना, उसमें कलकत्ता से देवी का चित्र बन के आया था, दुर्गा अम्बा का बन के आया था। वो चित्र जो है वो फिट नहीं हुआ था, लेकिन नीचे स्टॉल पर रखा था, तो वो देखा उन्होंने। तो उन्होंने कहा अगर देवी का चित्र, समझो बुलडोजर आएगा तो ये भी देवी को भी तो लगेगा ना, तो ये इंडिया में बहुत बुरा समझते हैं देवी का चित्र के ऊपर वो हो भी। तो दो बातें उन्होंने देखी, नोट की। तो इंदिरा गांधी को जाके सुनाया, तो भाई ये दो बातें हैं, अभी आप जज करो। तो इंदिरा गांधी के बुद्धि में बुद्धिमान बाबा है ना शिव बाबा, उसने इंदिरा गांधी के बुद्धि में टच किया। उसने क्या किया, उसने आर्डर दे दिया, तो जो आना है ना प्रेसिडेंट रशिया का, उनका जो रिसेप्शन होगा वो दूसरे मैदान में होगा, ब्रह्मा कुमारियों का मेला होगा। इंदिरा गांधी को टच किया बाबा ने, और हम तो योगी लगा रहे थे सुबह को, जब उठे तो अखबारें ढेर में फर्स्ट पेज में, नहीं तो अखबार में डालने में कितना खर्चा होता है, फर्स्ट पेज में तो बहुत भारी खर्चा होता है, लेकिन सभी अखबारों में फर्स्ट पेज में ये खबर आई। तो जो रशिया का प्रेसिडेंट है उसका लाल किले में होगा दूसरा मैदान, और ब्रह्मा कुमारियों का मेला इसी में ही होगा। तो आप सोचो ये बुद्धिमान का बुद्धि बन के शिव बाबा ने असंभव से संभव करा दिया ना, हमारी तो और ही एडवर्टाइज हो गई सभी पेपर में, जो पढ़ी तो रश इतनी थी जो बात ही नहीं पूछो। तो असंभव भी संभव हो सकता है, इसीलिए हम आपको भी यही राय देते हैं, अगर आपको सदा दिल खुश रखनी है, सदा सुख और शांति के झूले में झूलते रहो, अगर इतनी खुशी और इतनी दिल आराम से दिल का आराम लेना है, तो आप ये अभ्यास जो है वो ज़रूर करो, शक्तियाँ लो बाबा से मेडिटेशन द्वारा, और सारा दिन भी अपनी चेकिंग करो, तो आपको दिल का आराम मिल ही जाएगा, ये हमारी गारंटी है। शिव बाबा ने हमको अनुभव कराया है, तो हम अपने अनुभव के आधार से आप सभी जितने भी यहाँ रहते हैं, जितने भी फॉरेन में ज्ञान में चलते हैं, मेडिटेशन कोर्स में चल रहे हैं, स्टूडेंट है, उन सब का अनुभव ऐसा है।
तो हम समझते आप हमारे भाई कहाँ कहाँ से आए हैं। देखो पहले दिन परिचय हो गया था, तो इतने दूर से हमारे भाई कितने समय के बाद तो हमारे से मिलने आए। तो बहुत दिनों के बाद आप हमको बिछड़े हुए भाई बहने मिले हो, तो हम समझते हैं कि जो हमारा अनुभव है ना, वो आपको भी ज़रूर होना चाहिए। क्यों? हमको ये पता है, हम क्यों बार बार आपको कहते हैं करो। कारण क्या है कि हमको शिव बाबा ने पहले ही सुना दिया है कि ये एक ही संगम समय है जिसमें जो बनना चाहे, जो अपने भाग्य की लकीर खींचने चाहे, जितनी लंबी खींचने चाहे उतनी खींच सकते। फिर दूसरे युग में, दूसरे समय में नहीं है। और ये समय जो है इसको हम कहते हैं संगम युग। ये संगम युग का बहुत थोड़ा सा समय है, और इस थोड़े से समय में अचानक ही कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि ये समय जो है ना, उसका भी महत्व रखो, आत्मा का भी महत्व रखो, परमात्मा का भी महत्व रखो। और समय जो है अभी भाग्य विधाता के भाग्य प्राप्त करने का समय है। एक क्वेश्चन पूछा था बाबा ने, शिव बाबा ने हमसे, तो मैंने बच्चों को, हर एक को, जो भी मेरे बच्चे बने, संकल्प किया तो बन गए ना, तो जो भी मेरे बच्चे हैं उनको मैंने श्रेष्ठ कर्म का कलम उनके हाथ में दे दिया है। कलम हर एक के हाथ में बाबा ने दिया है। कौन सा कर्म? श्रेष्ठ कर्मों का कलम दे दिया है। ये जो कोर्स किया आपने, ये क्या हुआ? श्रेष्ठ कर्म का कलम मिला ना आपको। अभी इस कलम से नॉलेज मिली। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। ये कलम आपको शिव बाबा ने सभी को, भाई बहनों को हाथ में दे दिया है। जितनी भी लंबी लकीर आपको खींचनी हो भाग्य की, वो भाग्य विधाता की इस संगम के समय में भाग्य विधाता का वरदान है। तो हम ये समझते हैं जब हमको इतना वरदान बाबा ने दिया है, हमारे ये भाई बहने कैसे रह जाए? नहीं तो फिर आप हमको उलहना देंगे, बहन जी आपको पता था इतना तो हमको बताया क्यों नहीं। इसीलिए हम बार बार सुनाते हैं, बार बार कहते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। हमको और क्या मिलेगा? भाग्य आपका मिलेगा, हमको सिर्फ खुशी होगी कि आपने भाग्य बनाया, बाकी मिलेगा तो आपको ही ना। इसीलिए अपना भाग्य का इतना अच्छा भाग्यवान समय गंवाना नहीं, जितना हो सके, जैसे भी हो सके, रिलेशन कनेक्शन बहुत अच्छा रखो, दिल खुश रखो। और खुशी, देखो मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, कभी भी जीवन में आपकी खुशी गई मानो, अनुभव तो होगा ना, कभी खुशी होती है कभी चली जाती है। अच्छा, जब भी आपकी खुशी गई, गुम हो गई, तो कारण क्या होता है? सोचो, कभी तो अनुभव होगा ना आपको। कभी भी आपके जीवन में खुशी जा करके गम आ गया, दुख आ गया, उसका कारण क्या होता है? कारण होता है कोई बाहर से बात आती है, कोई आत्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा कोई बात ऐसी होती है। तो बात आती है और हमारी खुशी ले जाती है। खुशी कैसे जाती है? आई बात बाहर से, परिस्थिति, हमारे हिंदी में कहते हैं परिस्थिति, दूसरे द्वारा स्थिति आई, और हमारी खुशी क्यों ले गई?
अगर आपके घर में कोई डाकू आवे, आपके घर से कोई चीज लेके जावे, आप दे देंगे? चलो एक कुर्सी ले गया बेचारा, दे देंगे आप कि बचा के रखेंगे? तो हमारी खुशी, खुशी हमारी चीज है और बात ऊपर से आती है, हमारी खुशी क्यों ले जाती है? रोके ना उसको। और रोकने की शक्ति क्या है? हमारे में सहन शक्ति चाहिए। जो शक्तियां शिव बाबा देता है ना, वो शक्ति नहीं होने के कारण बात का प्रभाव पड़ जाता है, मन पर बाप का प्रभाव पड़ जाता है और खुशी गुम हो जाती है। लेकिन कमाल ये है कि बात चली जाती है, मानो कोई बात आई, अच्छा अभी फॉरेन में सोमानी आई, चली गई ना, ठहरती तो रही है वो, चली गई। बात आती है चली जाती है, हमारी खुशी कितना टाइम ले जाती है? एक मास के बाद भी वो बात याद आएंगी ना, तो गमी आ जाएंगी, दुख, खुशी गुम हो जाएंगी। वो आत्मा अगर सामने आ गई, कोई आत्मा ने आपकी इंसल्ट कर दी, ये कर दी, आपकी खुशी गुम हो गई, वो मनुष्य आत्मा भी सामने आएगा ना, तो भी आपके मन में जो वो खुशी गुम हो गई, बात बैठ गई ना, वही कहेंगे हाँ ये वही है ना, ये इसने ऐसा किया था ना, ये ऐसा है ना। देखो बात चली जाती है, लेकिन हम अंदर अपने रख देते हैं मन में, और वो खुशी हमारी बार बार याद आने से गुम हो जाती है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं अपनी खुशी कभी नहीं गंवाओ। बात चली जाती है आप मन से निकालो। क्यों? कि बात हो गई मानो, तो कहावत है कि तीर कमान से निकल गया वो फिर वापस नहीं आता है। अगर हो गई बात, वो तो फिर वापस नहीं आएंगी ना, लेकिन आगे मैं क्या करूं वो सोचने के बजाय क्या करते हैं, जो बात हो गई ना उसको ही चिंता में चिंतन करते रहते हैं, व्यर्थ चिंतन, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसा हुआ, ये कौन था, कब तक ये करेगा, ये कह 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 का शब्द बोलते रहते फालतू, और अपने मन में कितना दुखी कर देते। इसीलिए बात गई वो वापस नहीं आएंगी, लेकिन आगे मैं क्या करूं वो सोचें, और वो पुरानी बात सोचने से जो बीत गई उसको सोचने से क्या है, भविष्य भी नहीं सोच सकते, आगे क्या करना है मुझे वो भी नहीं सोच सकते, क्योंकि दिमाग उसी में ही लगा हुआ होता है, पास्ट के बात में, फ्यूचर नहीं सोच सकते, निर्णय नहीं कर सकते क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए अपनी खुशी कभी नहीं गमाना। शिव बाबा कहते हैं हमको खुश रहो और खुशी बांटो। आप देखो कोई भी अच्छी बात आप करते हो और लोग उससे खुश हो जाते हैं, तो आपकी खुशी नहीं बढ़ती है, उसको खुश देख करके पहले तो आप खुश होते हो। तो ये खुशी ऐसी चीज है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेंगी, और चीजें जिसको बांटते हैं ना तो कम हो जाती, लेकिन ये खुशी, मन की खुशी ऐसी चीज है जितना आप बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। इसीलिए ये बाबा शिव बाबा का स्लोगन याद रखना, खुश रहना है और खुशी बांटनी, याद रहेगा, रहेगा ना याद, खुशी कभी नहीं गंवाना। उसके लिए क्या करो? और भी एक बात बाबा ने हमको कही है, हम कहते हैं आपको वो भी सुना दे। तो बाबा ने कहा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता ना पुरुषार्थ आपसे, एक बात करो,
क्या करो, कभी भी कोई भी मिले उससे दुआ लो और दुआ दो, न दुख लो न दुख दो, दुआ लो दुआ लो। अच्छा देखो, आप कहेंगे हम दुख तो कभी देते नहीं है, लेकिन लेते हो, मानो किसने आपको दुख दिया, आप ले तो लेते हो ना, फील तो करते हो ना, मन में दुख तो ले लिया ना, तो देने वाले ने आपको दिया, ठीक है देना नहीं चाहिए, लेकिन लेने वाला कौन, देने वाला ही तो लेने वाला नहीं होता ना, लेने वाला अलग होता है, देने वाला अलग होता है। तो उसने दुख आपको दिया, लेकिन आपने लिया क्यों, लेने वाले तो आप हो ना, मैं आपको कोई खराब चीज देती हूँ, फल ही है, गला हुआ फल है, मैं आपको आके देती हूँ, प्यार से ही देती हूँ, आप लेंगे, गला हुआ खराब हुआ फल या कोई भी चीज़ मैं आपको दूँ तो आप लेंगे क्या, या मेरे को वापस करेंगे या फेंक देंगे, लेंगे तो नहीं ना। तो ये दुख क्यों ले लेते हो, मन में फील करना, फीलिंग आना दुख की, ये है दुख लेना। आधा दुख तो दूर करो अपना, लो तो नहीं, अगर लेंगे नहीं तो देंगना भी छूट जाएंगे, लो नहीं, दिल में फील नहीं करो, बीती पास्ट इज पास्ट, ये सोचो मैं अपने को खुश कैसे रखूं, ये सोचो, उसके लिए प्लान बनाओ, बाकी ये क्यों है, क्या है, कौन है, वो उसे फायदा क्या होता है, नुकसान ही होता है ना। हम लोगों की क्लास होते हैं ना, उसमें कहते हैं फीलिंग आना कोई भी चीज की, दुख की फीलिंग आना मन में, ये जैसे फ्लू का बुखार, फ्लू तो अनुभव होगा ना, फ्लू में क्या होता है, मुख करवा करवा हो जाता है, न सोना अच्छा लगता, न खाना अच्छा लगता, न बैठना अच्छा लगता। इसमें भी क्या होता है, जब फ्लू, ये फीलिंग का फ्लू हो जाता है ना, तो क्या होता है, ऐसा ही होता है। तो फ्लू की बीमारी अपने में नहीं करना, फीलिंग नहीं करना, दुख लेना नहीं, लेंगे नहीं तो देना ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। तो न दुख लेना न दुख देना, क्या करेंगे, लेना नहीं, फीलिंग नहीं करना, राइट, फीलिंग करेंगे, जो नहीं करेंगे फीलिंग, फ्लू का बुखार नहीं लाएंगे, वो हाथ उठाओ, ऐसे करो, ये करेंगे क्या, अच्छा वो ट्रांसलेशन होती है, ये रशिया वाले है ना, न दुख लेना न दुख देना। और एक बात बड़ी इजी बताती हूँ, हम तीन बातें सबको कहते हैं, जब भी घर जाओ ना तभी ये जरूर करना, बहुत इजी है, इसमें बहाना कोई नहीं लग सकता है। तीन बातें कौन सी, छोटी है, एक तो जब भी कोई मिले ना आपसे, मिलने तो आते ही है, घर में भी रहते हो तो भी अपने मित्र संबंधी मिलते तो है, जो भी संबंध होगा, कभी भी किससे भी मिलो ना, मुस्कुरा के मिलना, मुस्कुराना आता है, जिसको मुस्कुराना नहीं आता हो वो हाथ उठाओ, एवर रेडी, मुस्कुराना, मुस्कुराओ तो सही भाई, मुस्कुराना आता है, आता है, आता है, तो मुस्कुरा के मिलो बस, चाहे क्रोध वाला भी आवे ना आपके सामने, घर में भी, सासू है, बहू है, बेटा है,
जो भी हो उनसे भी मुस्कुरा के मिलो, क्रोधी भी हो ना तो भी आप मुस्कुरा के मिलो। क्यों? क्रोध है आग। मानो आप मुस्कुरा के मिलेंगे ना तो उसमें पानी पड़ेगा। अगर आपने भी क्रोध कर दिया तो आपने आग में और ही तेल डाल दिया, एक बूंद भी डाली तो नुकसान है ना। इसलिए मुस्कुरा के मिलना, बस एवर रेडी मुस्कुराना आता ही है। इसके लिए कहाँ से खरीद नहीं करना है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सर्वेंट नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहाना नहीं चल सकता। मुस्कुरा के मिलेंगे, मुस्कुरा के मिलना। और कोई भी आता है तो उसका पानी तो पिलाया जाता है, या कोल्ड वाटर या कुछ तो पिलाएंगे ना उसको। तो आपके पास एक एवर रेडी शरबत है, वो पता है कौन सा है? वो है मीठा बोल। मीठा बोल बोलने आता है शरबत तैयार, एवर रेडी है ना। कहाँ से मंगाना तो नहीं पड़ेगा, भाई सर्वेंट नहीं है, टाइम नहीं है, कैसे शरबत पिलाएं, कैसे ये पिलाएं, नहीं, मीठा बोल का शरबत पिलाओ। और तीसरी चीज, अपनी सदा दिल खुश रखो और उसको भी दिल खुश मिठाई खिला दो। तीन चीजें करना, एक मुस्कुरा के मिलना, एक मीठे बोल का शरबत पिलाना, ठंडा पिलाना, और तीसरा दिल खुश रहेंगी ना, हमारी दिल खुश होंगी तो उसकी, हमारे को देख के उसकी भी दिल खुश हो जाएंगी, ये मिठाई खिलाओ। ये तीन बातें ठीक है? ये तो इजी है इजी। जो समझते हैं हो सकता है वो हाथ उठाओ, हो सकता है तो ये तो जाके जरूर करना। भाषण भूल भी जावे कोई हर्जा नहीं, लेकिन ये जरूर करना। इससे क्या होगा, आपके घर में तो शांति रहेगी। चैरिटी बिगिंस एट होम, आपके घर में शांति रहेगी। मुस्कुरा के मिलेंगे, शरबत पिलाएंगे, दिल खुश मिठाई खिलाएंगे, घर में भी आश्रम बन जाएगा और घर का प्रभाव मोहल्ले पर पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव सिटी पर पड़ेगा। ऐसे ही कल्याण हो जाएगा, विश्व कल्याण परिवर्तन हो जाएगा। इजी ना? इसीलिए अगर दिल खुश करनी है सदा आपको, तो दिल खुश की ये विधि जरूर अपनाना। दुख न देना, न दुख लेना, और ये तीन बातें जरूर करना। ओम शांति। खुश हो गई? सदा रखना, यहाँ नहीं, यहाँ खुशी छोड़ के नहीं जाना, लेके जाना। मन में जगह बहुत है, मन में ये खुशी समा के जाना। इतनी समा के जाना जो इस जन्म में तो क्या, अनेक जन्म खुश रहे। अच्छा, अभी 3 मिनट के लिए आप कोई भी विचार आवे ना, और फालतू विचार आवे आने नहीं देना, उसको कहना 1 घंटे के बाद आना, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आत्मा को परमात्मा से मिलना है, इसलिए मेरी अपॉइंटमेंट वहाँ है, अपॉइंटमेंट परमात्मा के साथ है,
इसीलिए अभी कोई भी विचार नहीं आओ, पीछे सोच आए ना, अभी नहीं, ऐसे अभ्यास करो।